अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान उसका शौहर उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता है? अगर जवाब हाँ में है तो कब तक? तो उस मेरी बहन के लिए ये जवाब है कि शरीयत में इस चीज़ का कोई ममानत नहीं है कि प्रेगनेंसी की हालत में आप जिमा नहीं कर सकते। हाँ, आप कब जमा नहीं कर सकते? आप पीछे के रस्ते से जमा नहीं कर सकते, आप हैज़ की हालत में जमा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मसला ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान बीवी को तकलीफ़ होती है तो आप तब जमा नहीं कर सकते। अगर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है तो आप तब भी जमा नहीं कर सकते। अब ये ऐसी बातें हैं कि जो मियाँ बीवी आपस में बह करता है आराम से कर लेते हैं, इस पर किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं बनता। हाँ, अगर कोई कहे कि प्रेगनेंसी की हालत में बिल्कुल जिमा ना किया जाए, अपनी बीवी के करीब ना आया जाए, तो ये भी बात बहुत गलत है, क्योंकि शोहर की बीवी को अल्लाह ताला ने शोहर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए यानी शोहर को सुकून देने के लिए ही पैदा किया है। अब यहाँ पर मुझे जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ मसाइल आ रहे हैं, जैसे बच्चे को लेकर या बीवी को तकलीफ़ हो रही है, तो उस हवाले से आप अपनी बीवी के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं कि अगर ये मसला है तो फिर जमा ना किया जाए। अदरवाइज़ शरीयत ने इस बारे में किसी किस्म की भी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई।